रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की तरफ से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। जिस तरह से यूक्रेन ने हाल ही में रूस के इलाके में घुसपैठ किया उसने काफी सनसनी मचा दी और यही वजह है कि अब भारत ने कुछ दिशा निर्देश इसे लेकर जारी कर दिए हैं। मॉस्को में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से भारतीय नागरिकों को रूस के 3 क्षेत्रों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा हालात में जिस तरह की स्थिति ब्रिंस, बेलगोर्ड और कुस्क में बन रहे हैं, भारतीय नागरिकों को ये सुझाव दिया जाता है कि आप जरूरी सुरक्षा अपना लें और हो सके तो उस इलाके से अभी के लिए बाहर निकल जाएं किसी सुरक्षित स्थान पर। किसी भी भारतीय नागरिक या छात्र को किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत है तो वो एम्बेसी के ईमेल आईडी और टेलीफोन संख्या पर फोन कर सकता है। यानी कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा और जिस तरह से रूस के इलाके में यूक्रेनी सेना घुस के चली आई, उसने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक नए तरह का तनाव पैदा किया है। ये वर्ल्ड वार टू के बाद ऐसा हुआ है कि किसी युद्ध में रूसी इलाके में किसी विदेशी सेना ने अपने बूट रखे हो। 6 अगस्त को 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ रूस की सीमा में घुसपैठ कर दी थी। हवा में ड्रोन और भारी तोपखाने के झुंड से वो घिरे हुए थे और जबरदस्त हमला हो रहा था। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से 2.5 साल से ये युद्ध चलता आ रहा है उसमें रूस के लिए ये बड़ा झटका है जहां यूक्रेन ने रूसी इलाके में घुसपैठ किया है। हालांकि रूस का कहना है कि वो सफलतापूर्वक इन सैनिकों को खदेड़ने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और इस 2.5 साल पुराने युद्ध में लगातार जो स्थिति बन रही है उसमें एक बात साफ है कि अब रूस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लड़ाई बेहद एक अहम मोड़ पर है। एक तरह से कहा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा ये भूमि युद्ध है। जो यूक्रेन की चिंता है कि अगर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिकी समर्थन कमजोर हो सकता है, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि वो जंग खत्म कर देंगे और रूस जिस तरह से लगातार यूक्रेन पर हमलावर है और अब जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के इलाके में हमला कर दिया है उसने काफी असमंजस की स्थिति पैदा की है और यही वजह है कि भारत भी लगातार सुरक्षा उपाय बरतने के लिए अपने नागरिकों को सलाह दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।